समर रिट्रीट के एक हफ्ते बाद समर वेकेशन के एकदम बीच में एक खतरनाक हादसा हुआ। तो यह है शारु सीमा का घर। ओह हाँ, मैं यहाँ स्टूडेंट काउंसिल के कुछ लोगों के साथ आ चुका हूँ, पर मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा। क्या उसे घर से इतना लगाव है? हम नहीं समझते कि उसके साथ क्या करें। वो बाहर नहीं निकलती? इसमें कोई गलती नहीं की है, पक्का उसके विच पावर्स की वजह से होगा। हॉली के ओडोरी का ग्रुप लगा हुआ है शारुशिमा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। वो हमें हरा देगी, क्या करेंगे मियामुरु? वेल शांत हो जाओ, जस्ट अभी मुझे एक आइडिया आया। हम जबरदस्ती घर में घुसेंगे। शांत हो जाओ यामदा। हे गाइस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शारुशिमा? हाँ, ये लड़की है। कौन बोला था वो बाहर नहीं निकलती? ओ हाँ, मेरे पास कुछ है जिसके लिए तुम अंदर आके मदद कर सकते हो। हमें उसका रूम क्यों ठीक करना पड़ रहा है? और कोई रास्ता नहीं है? अगर सब सही रहा तो हमें शारुशिमा की पावर का पता चल सकता है। तो तुम क्यों बैठे हुए हो? समझ गया। ओ, ये तो काफी अच्छा है, कितना सही डिजाइन है। मेरा मदद करो पागल। हे शारुशिमा, सब हो गया। तुम सो क्यों रही हो? मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओ रुक जा यामादो। छोड़ यार, कौन बोला ये घर में घुसी रहती है? उससे कौन सी चीज की चिंता थी वो विच बन गई? उसके बारे में पता नहीं, पर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मौका है। मौका? किस करो उसे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुमने इतनी मेहनत की और तुम्हारे लिए किस करना मुश्किल जा रहा है? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम जानते हो अगर चीज ऐसी है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं। इसके लिए मुझसे नफरत मत करना। मुझे? हाँ? बचाओ यामादा। मियामुरु, क्या तुम पहले बाहर जा सकते हो? क्यों? प्लीज। तुम पर सब बोझ देने के लिए सॉरी। हाँ तो ऐसा क्यों बोल रही थी कि मुझे बचाओ? सच ये है कि मुझे पता था। क्या पता था? मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ आने वाले हो। क्या, किसने तुम्हें बताया था? वैसा नहीं है, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तुम फ्यूचर देख सकती हो? हाँ। क्या तुम्हारा सर अच्छा से काम कर रहा है? जाहिर सी बात है, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा मुझ पर, पर तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। नहीं, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है मुझ पर विश्वास करने के अलावा। क्या मतलब तुम्हारा? ये शुरुआत में जो मैंने फ्यूचर देखा वो छोटी चीज थी। अगला पीरियड स्टडी हॉल में होगा या आज कोई पॉप क्विज होने वाली, पर एक दिन अचानक मैंने एक डरावना फ्यूचर देखा। एक फ्यूचर जहाँ पूरी स्कूल बिल्डिंग में आग लगी हुई थी और जहाँ दोषी मैं थी। यकीन करो मैं नहीं थी। इसलिए मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मुझ पे भरोसा नहीं करेगा। और इसलिए तुम घर से बाहर नहीं निकल रही? पर शारुशिमा, मैं तुम्हारी कहानी पर क्यों विश्वास करूं? इसलिए क्योंकि तुम भी मेरे साथ आगे सीन पर थे और तुम भी मेरे साथ दोषी बन जाते हो। क्या, ऐसा क्यों हुआ? पर वो तो मैं भी नहीं जानती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर चीज अभी क्लियर हो रही है। स्कूल न जाने का एक रीजन ये भी था कि मैं तुमसे कांटेक्ट में ना आ पाऊँ, पर जैसा कि मैंने देखा तुम मिल गए मुझसे। क्या मुझे इस सिचुएशन में सॉरी बोलना चाहिए? मुझे माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है शायद तुमसे मिलने पर शायद कुछ चेंज हो जाए, पर फ्यूचर इतना आसानी से चेंज नहीं होता है। हे शारुशिमा, मुझे एक किस दो। क्या तुम इन सब में खींचने के लिए तुम मेरी बॉडी चाहते हो? कोई ऐसा नहीं बोल रहा, इसका एक रीजन है। जो भी हो, मुझे लगता है असली गुनेगार को पकड़ने के लिए यही एक तरीका है। क्या? अगर ये तुम हो यामदा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार
तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। उसने मुझे किस किया? तुम ढक्कन बेवकूफ सुनो। समझ गई मैं। तो बेसिकली अब कोई डाउट नहीं रहा कि सरोशिमा एक विच है। जैसा मैंने सोचा था तुम सब शॉक्ड हो गए हो ना? सच कहूँ तो मुझे समझ आया है कि उसकी पावर क्या है। पर तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं मेरा। अगर तुम मुझ पे भरोसा करते तो तुम जान सकते। सिर्फ मैं ही क्यों? ओह ये ऑसम था यामादा। तुम्हारा ये मतलब था जब तुम बोले तो ओरिसन तुम्हें मानने वाली है? फ्यूचर का सीज देखना कितनी कमाल की बात है। तो अब हमें पता है शारुशिमा एक विच है जो फ्यूचर देख सकती है। हाँ तो अब है असली चैलेंज। पहले इसे देखो। मास्टर आर्टिस्ट यामादा के पेज ऐसे फटे रहते हैं। तुमने सच में इस फोटो जैसा कुछ नहीं देखा होगा है ना? ऑफ कोर्स नहीं, असली सीन बड़ी रियलिस्टिक थी। उसे भूल जा, बात है कि पुराने स्कूल बिल्डिंग में आग लगने वाली है और सबसे इम्पोर्टेंट मैं और शारुशिमा दोषी बनने वाले हैं। ये सच में सीरियस है। हाँ और हमें अब फ्यूचर पता है। ये बुरा होगा अगर हम असली दोषी को पकड़ ना पाए। बोलो यामादा को, क्या तुम मुझे एक और बार वो सीन बता सकते हो जब तुमने मियामर को किस किया? अच्छा, तुम और ईटो नीचे देख रहे थे मेरी तरफ और मेरी गाल पर एक थप्पड़ का निशान था। हाँ, इसका मतलब ये तुम खुद नहीं देख सकते हो है ना? हाँ, पिक्चर भी कुछ उसी तरह है। तो ये यामादा है। तो तुम्हें कौन लग रहा था? तो क्या मियामर को था सीन में? अब जब तुम बोल रही हो तो वो नहीं दिख रहा था। तो इस तरह ये काम करती है क्या? मियामर खुद इस सीन में नहीं था जो तुमने उसे किस करते टाइम देखा। इसका क्या मतलब है? शायद ये मियामर के नजरों से था। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। दूसरे शब्दों में ये पावर तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर के पॉइंट्स के फ्यूचर भी दिखा सकता है। ओह मैं समझ गया। तुम कुछ नहीं समझते है ना? और बार नजदीक से पिक्चर को देखो क्योंकि तुम और शारुशिमा इस पिक्चर में हो। ओ तो ऐसा है। हे यामादा, तुम कहाँ जा रहे हो? वहाँ कोई और भी था आगे के सीन में। सही कहा। क्या तुमने किसी और को भी किस किया था? वो अगर तुम पूछ रहे हो तो ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। वो मेरा एक मेल फ्रेंड है। एक मेल फ्रेंड? पर यकीन करो ऐसा नहीं है, हमारे बीच कुछ चल रहा हो। वो हम साथ में बस फौरन से आए थे और उसी वजह से थोड़ी जमती थी हमारी। तुम बहाने क्यों बना रही हो? मुझे उसका नाम बताओ और कहाँ मिलेगा वो अभी। हाँ पर क्या वो दोषी है? उसका पता नहीं, पर हाँ वो शायद ये इंसिडेंट से कनेक्टेड है। हो सकता है। मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ। घर के बाहर एक कदम भी मत लेना। हाँ पता है, तुम भी केयरफुल रहना यामादा। पर अगर उसके और यामादा के मिलने पर चीजें सीन जैसे हो जाए तो। तुसु बाकी? हाँ बढ़िया, तुम ये भी कर सकते हो। मुझे कमजोर मत समझना गूल। मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बस मुझे जीतने के लिए एम करना पड़ेगा। भाड़ में जा। ये रहा है, तुम तो सुबह की हो क्लास डी से। मैं वापस हार गया। एक और मैच। तुम सुन भी रहे हो? चुप हो जाओ, तुम मेरे रास्ते में हो। हाँ? कम से कम मुझे सुनो टूसु बाकी। ये क्या है, तुम यामादा हो ना, क्लास बी से है ना, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जैसा मैंने कहा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। और मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम शिराइशी से प्यार करते हो? हाँ मैं बाहर से आया हूँ ना, तो लोग मेरे पीछे पड़े होते हैं। पर शिराइशी सान तो कभी भाव ही नहीं देती। क्या? ये बड़ा ही रिफ्रेशिंग और मुझे बड़ी खुशी हो रही। और जब से मैं शिराइशी के पीछे पागल हो गया हूँ। तुम्हें पता तुम थोड़े अजीब हो। तो मैं शिराइशी को बताऊंगा कि मैं कैसा फील करता हूँ। क्या? क्या तुम कल स्कूल में शिराइशी सान को काउंटर ज़्यादा बुला सकते हो? हे कल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा?
ये बड़ा सीरियस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि शिराइशी इसे हाँ बोल दे पर समझ गया। ओह सच्ची तुम बहुत अच्छे इंसान हो यामादा। पर यार क्या ये बंदा सच में पुरानी बिल्डिंग में आग लगाने वाला है? और तुम्हारे लिए यामादा, मैं तुम्हें मेरे अंदर का टैलेंट दिखाने वाला हूँ। जब भी मैं सैड होता या मुझे रिलैक्स होना हो तो कुछ है जो मैं जरूर करता हूँ। इस तरफ है। ये तो पुरानी स्कूल बिल्डिंग है जहाँ पर आग लगने वाली है। एक सेकेंड रुको। सेल्फ रूम। क्या यही है वो जिसने किया है? हो गया। ये है हमारी दोस्ती की निशानी। यही वो चीज है जो यहाँ आग लगाएगी। तुम्हें नहीं खाना? आग आज लगेगी। हाँ तुम्हें आज स्कूल आना पड़ेगा। सही कहा, टीचर बोले कि मुझे कल अटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो। ये मदाकु सरोशीमा तू सुबह किसान, आज तीनों स्कूल आए हैं। चाहे जो हो हमें टुसुबाकी को टुम्पुरा बनाने से रोकना पड़ेगा। ये क्या है, कौन डिप्रेशन में होने पर टुम्पुरा बनाता है? पर यामादा कल की ओडोरी के थप्पड़ को याद करो। हाँ तुम्हें वो पहले से पता था तो तुम क्यों उसे नहीं टाल पाओगे? हाँ क्या तुम सच में फ्यूचर देख सकते हो? ये टाइम पर जहाँ हम हैं हमें एक ट्राई तो देना होगा। तुम क्या करोगे यामादा? हाँ? ओ, ये तो यामादा है। क्या हुआ, शिराइशी टाइम पर नहीं आई यहाँ? ये क्या है, मुझे मत बोलो। हाँ क्या मैं बात करने से पहले ही रिजेक्ट हो गया? नहीं ऐसा नहीं है। तो क्या चल रहा है, तुम क्यों आए शिराइशी के जगह? शांत हो जाओ टुसुबाकी, मैं समझाने जा रहा हूँ तो ध्यान से सुनना ओके? हाँ मुझे किस करो। अच्छा तो मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ और तुम मुझे अपने जोक से खुश करने आए हो, है ना? ये जोक नहीं। हाँ। मैं सीरियस हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम यामादा की फीलिंग्स का जवाब दो। तुम सब गलत तरीके से बात कर रहे हो। अच्छा मुझे पता नहीं था कि यामादा एक अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इससे बॉडी बदलूं और इसके बॉडी को पुरानी बिल्डिंग से दूर रखूं, आग नहीं लग पाएगी। सॉरी पर मैं नहीं कर सकता, मेरे दिल में बस शिराइशी है, सॉरी भाई। चिंता मत करो, ऐसे मत बोलो जैसे मुझे रिजेक्ट किया है। ओ यार अब कोई तरीका, हमें अब जबरदस्ती करनी होगी। ये हाँ अभी यामादा। माफ करना टुसुबाकी, इसका एक अच्छा रीजन है। ये बड़ा पागलों जैसे ताकतवर है। कर सकते हो तो करके दिखाओ। वेलकम बैक, जल्दी आ गए। सोचा नहीं था कि टासु बाकी इतना स्ट्रॉन्ग है। तो प्लान अच्छा नहीं गया आखिरकार? क्या मतलब है तुम्हारा आखिरकार से? मुझे पता था तुम सब मार खा के आओगे। मैंने टोसान को किस किया था? शारु शीमा, मैंने शिराइशी से सब सुन लिया और अब तक क्या हुआ और विजेस का भी। क्या? और मैं यहाँ सोच रही थी बेचारा यामादा अकेले काम कर रहा है। नहीं मेरा मतलब, तुमने क्यों नहीं बोला तुम्हारे पास ये सब दोस्त हैं? तुम बड़ी जोशीली लड़की हो, है ना? पर अब हम क्या करें, तुम टुसुबाकी से बॉडी नहीं बदल पाए, है ना? हाँ तो अगर चीजें ऐसी हैं, बस एक लास्ट चॉइस है, शिराइशी को हाँ बोलना होगा उसे। नहीं मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सॉरी टुसुबाकी तुम्हें रोक के रहने के लिए। शिराइशी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी जस्ट अभी आया। तुम झूठे। मैंने यामादा से सुना कि तुम कुछ बात करना चाहते हो। हाँ हाँ शिराइशी, एक्चुअली मैं हमेशा से तुम्हारे लिए। एक सेकेंड रुको, पहले क्या तुम मेरी एक रिक्वेस्ट मानोगे? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग चलोगे। मियां भी चैन के सीन में गढ़ी दिख रहा है, यही टाइम पे आग लगी थी। दूसरे शब्दों में
अगर यामादा टुसुबाकी को जब तक बिजी रखेगा हम कर सकते हैं। टुसुबाकी क्या जवाब देगा? जरूर। ओ ये वो मान गया। ओके तो अभी हम चलते हैं। अब फ्यूचर बदलना चाहिए। ऐसी भीड़ में हम अच्छे से बात नहीं कर पाएंगे ना? हाँ ठीक है, अब टुसुबाकी इस जगह पर प्यार का इजहार नहीं कर पाएगा। ये काम कर रहा है, बस कुछ घंटे और घूमना होगा। और ओ एक और फोन कॉल। पूरा फ्यूचर बदला, पहले से भी ज्यादा गड़बड़ हो गया। क्या? अब मियां भी चेंज से क्लब रूम से चीजें नहीं दिखनी चाहिए थी। इस बार मूवी बिल्डिंग के सामने है। हाँ, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? सॉरी मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो मैम, अभी सुन लिया। ओए मियां मुर, क्या करना चाहिए मुझे? ऐसे हो जाएगा क्या? अभी के लिए हमें पता है फ्यूचर बदल चुका है, ये तुम्हारी बॉडी बदलने की वजह से हो सकता है। ओ तुम सही हो सकते हो। अब इस वक्त कोई रास्ता नहीं, हमें अपना लास्ट प्लान यूज करना होगा। अगर हम उस कंफ्यूजन को नहीं रोक पाए, हम उस आग को जलने देना होगा। क्या तुम घर जा रही हो? मुझे माफ करना, वो मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं ना, कुछ अर्जेंट आया है। मुझे कुछ बताना है तुम्हें। क्या हम कल मिलकर बात करें? प्लीज ये काम कर जाए। ओ ये शुक्रिया, मैं तुम्हें फिर से कल देख सकता हूँ। बढ़िया, अब दुखी मत होना। हाँ ओके, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। हे रुको शिराइशी। अब क्या दिख रहा है मियामुरु? क्या तुम पागल? तुम वहाँ से अभी के अभी बाहर निकल जाओ। ये क्या कोई रोमांटिक जगह जैसा है? शिराइशी सान, मैं कल तक नहीं रुक सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या चीजें ऐसी क्यों हो गई? समझ गया। मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? अब ये हो चुका है, मुझे शिराइशी के लिए बुरा लग रहा है, पर हाँ मुझे क्या तुम एक सेकंड रुक सकती हो? हे शीरा, मेरा मतलब यह मदा। क्या नहीं, तुम यहाँ क्यों आ गए? ये कुछ ऐसा है। क्या? हमारा रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही है। क्या है शिराइशी, तुम क्या करवाना चाहती थी? हमारे पास रास्ता ही नहीं बचा। क्या मुझे नहीं समझ आ रहा, तुम कहाँ जा रहे हो यामदा? बॉडी स्विचिंग करने। चलो खोलो टुसुबाकी। चुप रहो यामदा, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। शिराइशी ने मुझे ललचाया और धोखा भी दे दिया, और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। मैं कह रहा हूँ उसका एक रीजन है। चुप रहो। तुमने लॉक कर दिया। मैं भीख मांगता हूँ कुछ भी, लेकिन टाइम पूरा नहीं। यामदा को वहाँ से दूर हट जाओ। शिराइशी। हाँ शिराइशी। जिस टाइम फायरिंग होनी चाहिए थी वो समय निकल चुका है। हमने कर दिखाया। हाँ हमने सबका फ्यूचर बचा लिया, भगवान का शुक्र है। वुहू, तो यामादा और मैंने बॉडी बदली जिसके पावर की वजह से। हाँ बोलो ना, जल्दी बोलो। हाँ सही कहा मास्टर पापा। ठीक है तो मुझे भी सुपरनेचुरल स्टडी क्लब ज्वाइन करने दो। क्या चीजें ऐसा कैसे हो गई? आज के हादसे के बाद मुझे भी विचेस पे इंटरेस्ट हो गया है। तुम बस शिराइशी के पीछे हो है ना? अरे सब खत्म हो गया है यार। सबसे पहले यहाँ टेम्पुरा की अफवाह करने की बात नहीं करने वाली। मैंने कहा था सच में। हे यामादा, क्या तुम एक सेकंड के लिए आ सकते हो? शुक्रिया यामादा। मेरा मतलब
मुझे भी दोषी नहीं बनना था। तुम तो शर्मा गए। पर मुझे कुछ परेशान कर रहा है। क्या? शिराइशी ने जबरदस्ती मुझसे बॉडी क्यों बदली? ओह, उसने बताया नहीं? हाँ। मैं नहीं कर सकती थी। फ्यूचर जानकर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा वो तुम्हारी जगह ले रही थी। क्या? हाँ, तो तुमने शारुशीमा से सुन लिया है ना? हाँ। वो तुम्हें दोषी नहीं बनाना चाहती थी। शुक्रिया। ये कुछ नहीं था, अब सब ठीक है। क्या तुम्हें सच में लगा मैं ये बोलने वाला हूँ? फिर से कभी ऐसा करने का सोचना भी नहीं। वो इतनी खुश क्यों लग रही है? मेरी बात को तुम्हारी जिद नहीं हरा सकती। वो मैं ऑफिशियल मेंबर हूँ, सुपर असिस्टेंट क्लब को बोलो बोलो। ओ, तुम सब यहाँ हो। अच्छी न्यूज़ है, आखिरकार मैं समझ गई शारुशीमा की पावर को। इतने सरप्राइज तुम भी बोल नहीं पा रहे। चाहते हो कि मैं बताऊँ? अब क्या करूँ मैं? यार वापस से मैं ही क्यों? सेकंड जर्मन चावल हो गया। आज कौन सा फेस्टिवल है? क्रिस्टल फेस्टिवल। हाँ, तो फिर मुझे और मजे के लिए करना चाहिए।